गरीब मरीज, अपाहिज, छोटे बच्चे, सेवा और सत्संग, सेवा और सत्संग सारे धर्मां विच एनीबडी। मैनू फोन करो फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा एक रेगुलर कस्टमर है अपना डिवीजन नंबर 3 तो DMC जाता है, सरदार भाई है अपना। वो नाइट नू ATM दी जॉब कर रहा, 4-5 हज़ार रुपये सैलरी विच, उन्होंने एक हाथ है नहीं। इदा दे कई मेरे भरा है जिन्होंने जरूरत हैगी, उन्होंने बिल्कुल फ्री सेवा मैं लाया हुआ। समराज चौंक एक स्टिकर बनाते सरदार जी, बस सुझाव मंगया सीगा, आ स्टिकर बनवाना या नहीं, किन्ने के पैसे लोगे? कहते भाजी तुम पैसे ले रहे हो? नहीं ना, तो मैं भी बिल्कुल नहीं पैसे लूंगा। खास उन्होंने पौना घंटा मेहनत करके अपना काम कार छट के उन्होंने स्टिकर लगाया, उस तो दिन है आधा दिन है ये फ्री सेवा चली जा रही है। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਡਾਂਟਿਆ ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਆਮ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲੂ। ਅੱਗੇ ਮਾਰਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈ ਕੁਮਾਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, तमाम ई रिक्शा चालक ई रिक्शा चलाउंदे देखे होने, पर अज तुहानू एक अजिहे ई रिक्शा चालक दे नाल मिलावांगे जिस दी जिंदगी दे विच कुछ अजिहा होया ते उसने ई रिक्शा चलाउण दा तरीका ही जिहड़ा वा ओह बदल दित्ता। तां मेरे नाल बाई वी मौजूद है, पहला ई रिक्शा दिखा दिंदा तुहानू मैं। इह बाई दा ई रिक्शा है ते सेवा जिहड़ी बड़ी घैंट निभा रहे आ, बहुत अच्छी जिहड़ी सेवा है उहदे बारे आ। देखो पुअर पेशेंट उहनां लई फ्री सेवा करदे ने, हैंडीकैप जो भी हैंडीकैप परसन होएगा उन्होंने भी फ्री सेवा करते हैं, अंडर एज जो 6 साल तो छोटा बच्चा होएगा वो भी फ्री सेवा करते हैं। सत्संग तो कितने सेवा से जे कोई जा रहा, जेकर इन्हों पता लग जाता है कि भाई ये सेवा जा रहा है तो सत्संग दे विच जा रहा है, तो ये उन्होंने भी फ्री जिथे तक उन्होंने जाना होंगे उन्होंने फ्री उत्थे तक छड़ के आते हैं। तो आ देख सकते हो ऑल फ्री सर्विस इन्हां लोकां वास्ते, पुअर पेशेंट, हैंडीकैप ते 6 साल तो घट्ट, सत्संग सेवा इन्हां सारयां वास्ते भाई फ्री सेवा जी है वो कर रहे हैं। लुधियाना शहर के बहुत सारे रिक्शा चालक देखे होने, पर इन्हों देखा जो ये चीज़ नेम प्लेट असी देखी तो मजबूरन इन्हों को सूँ रुकना ही पै गया कि भाई इन्नी वधिया सेवा जी लुधियाना शहर के कोई निभा रहा, तो एक बार जरूर गलबात करिए इन्हों के नाल। बाई जी मौजूद ने, गलबात करते हैं कि फ्री सेवा निभा रहे हैं। बाई जी वाकई फ्री सेवा निभा रहे हो जे आप तुसी पोस्टर लगाए ने कि इन्हों फ्री दे जिथे भी जाना होंगे छड के आने? हाँ जी हाँ जी, यही नहीं छड़ के आने प्लस जिन्होंने यानी कि नीवडेबल है, किसी को पेशेंट को यानी कि पैसे नहीं है उन्होंने छड़ के तो आनी है, प्लस किसी रोटी पानी पहुँचाना हो भी अपने वालों सेवा फ्री है, प्लस डे नाइट है। नाइट नू तुसी यानी कि अपने वालों यानी किसी ने पेशेंट हो किसी नीडेबल है उन्होंने किराया यानी कि कोई भी ई रिक्शा वाला लुट रहा है अज की डेट से, यानी कि एक ई रिक्शा कहो या टेंपू वाला कहो किसी ने भी यानी कि एम्बुलेंस भी कहो तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं, लेकिन अपने ई रिक्शा यानी कि कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, केड़े-केड़े लोकां नूं तुसी फ्री दे विच लेके जांदे हो? किसी भी धर्म का, कोई भी छोटा बच्चा होवे या वड्डे पेशेंट होवे। मेरी दिलों ख्वाहिश तो सीगी कि कोई एम्बूलेंस वगैरह यानी कि अपने वालों यानी कि नाइट एंड डे वास्ते फ्री ऑफ कॉस्ट विच मैं सेवा करा, लेकिन पैसे की शॉर्टेज वास्ते नाले अपना परिवार का सलका भी निकल जाए उहदे वास्ते मैं ई रिक्शा भी चला रहा, प्लस यानी कि अपने वालों जिन्नी सेवा हो सकती है उपरवाले दी मर्जी नाल। अच्छा, फ्री वाला कंसैप्ट किवें तुहाडे माइंड दे विच आया कि मैनूं फ्री दे विच इन्हां लोकां नूं सफ़र कराना? मैं किसी टाइम ना प्रोटन गैंबल च मैं काम करता सी, PNG कंपनी जिन्हां दी टाइड सर्फ आंदी है, उन्होंने एक कैंपेन चलाया सी आ, तो शायद मे बी हुण भी चला रहे होए कि गरीब बच्चों की पढ़ाई वास्ते शिक्षा अभियान, शिक्षा एक कैंपेन का नाम सीगा कि गरीब बच्चों यानी कि वो शिक्षा वास्ते एजुकेशन वास्ते कुछ यानी कि उन्हां विचों परसेंटेज वो डोनेट करते सी अपने समान दे सेल दे उते, तो मैं भी सोचा सी कि कुछ अपना भी यानी कि ब्रेन लाऊंगा कि अपना पर्सनल यानी कि कोई मेरा होएगा काम तो मैं उहदे विच कुछ ना कुछ पार्ट जिवें आपां पंजाबी च कहिंदे दसवंध कढ़दे आ उस हिसाब नाल यानी कि आपां यानी कि कुछ भी होया तां उहदे विच यानी कि करांगे। मतलब अपनी कमाई चो दसवंध कढ़ के तुसीं ई रिक्शा लिता ते उस तों बाद इस नूं सेवा दे विच लगा दित्ता? हाँ जी हाँ जी, और
ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਯਾਨੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਦਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੇੜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਰੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੇੜੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੋਣੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੁਰੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਜਣੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀੜੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਹਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਯਾਨੀ ਬੇਬੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਗਾਊਂਗਾ, ਇਹੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਸਮਰਾਜ ਚੌਂਕ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਆਹ ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਇਹ ਸਟਿੱਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ। ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਧਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ DMC ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ATM ਦੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ DMC, ਉੱਥੋਂ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ ਡੇਲੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 1-1.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਜਾਂ 4 ਹਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਫਿਰ? ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕੋ, 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਚਲਾਈ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਡਾਂਟਿਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਂਟਦੇ ਆ ਕੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ 10 ਜਾਂ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਘਰੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਮ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ
मेरे वालों तो जिन्नी ज्यादा मदद कर सको उन्ना घट है। मन बड़ा खुश हों जो यानी किसी छड़ के आई है। कई बार मन दुखी भी हो जाता कोई पेशेंट ना रहे। एक बार की गल है कि चार पांच हॉस्पिटल मैं सिविल हॉस्पिटल चो पेशेंट चक्या छोटा बच्चा सी बेबी पेट च इन्फेक्शन सीगा चार पांच हॉस्पिटल घुमा के आप जो वापस पहुँच रहे हैं तो एक्सपायर हो गया तो मन भी बड़ा दुखी होंगे। खुशी भी होंगी है कि बंदे पहुँच गए दुखी भी होंगे है अगलिया लोगों के आंसू चे तो अपने भी आंसू निकल दी है। अच्छा तो दायरा कितने तक हैगा कि जो मान लो कई लोडमंद नीड लोगों को होंगी है जे तो आनू किसने मिलना हो कितने कितने तक होंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हैगा ये मैं स्पैशल यानी कि गड्डी च लिखाया होया मेंशन किया अगे और पिछे जिमें स्टिकर लाया उदा ही मैं अपना एड्रेस और वगैरह सब कुछ लाया होया। बाकी अपने मोहल्ले च तो मैं अनाउंसमेंट कराया गुरुद्वारा मंदिर च। अच्छा अनाउंसमेंट भी करा दी है कि मैं ये सेवा जिस दिन मैं ये कंसैप्ट स्टार्ट किया तो मैं अनाउंसमेंट पूरे अपने मोहल्ले च करवाया सीगा कि इदा का कंसैप्ट हैगा किसी भी लोड़ हैगा गरीब भाई तो मेरा दरवाजा खड़काओ मैं उस टाइम चलूंगा। एक बार दस दौ कि लोग कैटेगरीज लिखी हुई गरीब मरीज अपाहिज छोटे बच्चे सेवा और सत्संग सेवा और सत्संग किसे स्पेशल यानी कि वास्ते नहीं है। सारे धर्मां विच किसी ने चर्च जाना है किसी ने प्रे वास्ते जाना है किसी ने मंदिर जाना है किसी ने अपना मस्जिद वगैरह जाना है तो वो एनी बड़ी मैनू फोन करो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं। ये है कि मेन बेसिकली होंदा है कि लेडीज या जेंट्स अजकल 60 ईयर्स तो प्लस जोड़े हो जाते हैं उन्होंने शुगर या बीपी की प्रॉब्लम होती है तो इदा का ही इंसीडेंट है कि अपना मैं राम शरणम जाया गया सी मैं राम शरणम तो अगे भी एक होर सत्संग भवन है अपना प्रतापपुरे तो अगे प्रताप के कोल उ लेडीज है ना 12 बजे के करीब है ना उन्होंने ब्रेक होंगे तो ये जरा सत्संग भवन है उन्होंने बाथरूम बहुत दूर है तो अद्धा किलोमीटर घट्टो घट यानी कि बाड़ पै जाता आना और जाना उन्नी दूर तक यानी कि जानू उन्हें गोडे दुखते हैं तो उन्होंने बिठा के उन्होंने पहुँचाना तो सत्संग भवन तो पहुँचाना ही पहुँचाना अंदर वो यानी बाथरूम करा के वापस उन्होंने सत्संग हॉल के अंदर पहुँचा के। अच्छा अगे वास्ते फिर की सोचा हूँ तो ई रिक्शा तो शुरू करता अगे वास्ते भी कुछ सोचा हुआ जी अगे महाराज सुख रखेगा तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि हर एक तरह की फैसिलिटीज के नाल मैं एक एम्बूलेंस खोला जिहड़ी नाइट एंड डे बिल्कुल फ्री गरीब पेशेंट वास्ते एब्सोल्यूटली फ्री। फिर तुसी परेशान नहीं होंगे भी मान लो तुम कद रात को किसी का फोन आ जाए या फिर दिने फोन आ जाए तुसी सुते पे कोई भी गल हो परेशान नहीं होंगे जो किसी का फोन आवे इदा है कि पहला तो यानी कि आदत पानी पैंदी है कि नींद खराब हो रही है तो नींद की गल बाद आके हो जाता कि मन में सुखी होंगे खुशी होंगी है कि तुसी सुख प्राप्त करते हो जी किसी की हेल्प कर रहे हो बहुत वधिया चीज लगती है कि आप किसी की हेल्प कर रहे किसी यानी कि परेशानी नहीं बिल्कुल यानी कि आप यानी कि अपना गड्डी है आप यानी कि दो चार घंटे हेल्प भी कर भी दिता दो घंटे आराम कर लाँगे। तो भाई जी उन्होंने गलबात की बहुत अच्छा जरा उपराला कर रहे हैं बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं कितने ना कि वीडियो देख के चार लोग होर भी कितने ना कि जो शुरू हो गए तो साड़ी वीडियो करन का जरा मकसद है वह कितने ना कि पूरा भी हो जाएगा। पर तुम दस दिए कि जेकर कोई अजिहा व्यक्ति तुहानू नज़र आता है जिहड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता पैसे नहीं पे कर सकता तो अबाई जी उन्होंने जरूर याद करियो क्योंकि ये सेवा जिहड़ी है दिन ते रात दोनों वक्त निभा रहे ने। जेकर इन्हां नू कोई भी नीडिड परसन फोन करता है तो ये उन्हां कोल जरूर जाते हैं तो उन्होंने होस्पिटल होवे या फिर कोई छोटा बच्चा किसी मुसीबत दे विच फसिया होवे इस तरह का कोई भी कैटेगरीज तुहानू दिखा दित्तियां कोई पुअर पेशेंट्स होवे पुअर पेशेंट होवे जिहड़ा पैसे नहीं दे सकदा ते उसने किते होस्पिटल जाना होवे किते भी जाना होवे ओ हैंडीकैप्ड कोई अपाहज होवे ते ओ सफर नहीं कर सकदा ओ उन्हां नू भी भाजी जिहड़ी सेवा उन्हां वास्ते भी करदे ने। 6 साल तो जिहड़ा घटदा बच्चा हैगा उन्हां ते खासकर जिहड़े सत्संग दे विच जाना चाहुंदे ने कई वारी अजिहा हुंदा कि लोग कट्ठे होकर जाते हैं तो कट्ठे होकर फिर लोग व्हीकल्स का इंतजाम करते हैं तो जेकर इन्हों पता लगता है तो उन्होंने भी ये फ्री दे सत्संग तक छड़ के आते लैके भी आते हैं तो इस वीडियो में वो तो वो लोगों तक पहुँचा दियो ताकि इस वीडियो का करन का जो मकसद है कि लोग जड़े ने अवेयर हो लोग इस तरह के जड़ा लोग किस तरह नशे करते हैं इधर उधर भजते हैं ये नशा जड़ा वह सही नशा है तो लोग सेवा कर
तो किवें दी लगी है वीडियो बाई का उपराला किवें दा लग गया कमेंट सैक्शन के अपनी राय जरूर दिओ। कैमरामैन प्रिंस दे नाल दा सिटी हैडलाइंस जय कुमार।